श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 609 भाग 6 तारीख 13/8/1998। स्वामी भूतिया चकास्तु चित स्वभावाय भावाय सर्व भावान परिचिते मंगलं भगवान वीर मंगलं गौतम मंगलं कुंड कुंडार जैन धर्मोष्टि मंगल सर्व मंगल मांगल सर्व कल्याण कारक प्रधानं सर्व धर्मं जैनं जैतं शासनं ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय अनंत अनंत भावा वेदती बरेलीवन अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मो तारिणी बवाब्दि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ अपवाती निज मति मपाई में मानी छे अहो बाल चंद्र बाल ख्याल नती पमताय जिनेश्वर तणी वाणी जानी तेणे जानी छे गुरु राज तणी वाणी जानी तेणे जानी छे नंबर में क्या कहते हैं कि सत्संग की पहचान होना जीव को दुर्लभ है। किसी महान पुण्य योग से अगर सत्संग की पहचान हो जाए, क्योंकि ऐसा कभी कभी बनता है कि जीव को आत्मभावना होवे और उसी वक्त सही सत्संग भी मिले। सही पहचान के लिए ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है आत्म भावना है और सही सत्संग नहीं मिलता है। ऐसे कई जीव दुनिया में है जिसको अगर सत्संग मिले तो एक सेकंड के अंदर खड़े हो जाए। ऐसे भी जीव आत्म भावना वाले हैं लेकिन बिचारों को पुण्य योग नहीं है तो सत्संग नहीं मिलता है, तो उनका भी काम नहीं होता है। और किसी जीव को सत्संग मिलता है तो आत्म भावना नहीं है तो भी काम नहीं होता है। बहुत कम समय ऐसे आता है कि जीव को आत्म भावना जगी है और बाहर में ऐसा पुण्य का योग हुआ है कि सत्संग भी मिला है, ऐसा बहुत कम होता है। और जब ऐसा होता है और जीव को जब अंदर से ऐसा लगे कि अब मुझे सही सत्संग मिल गया है, सही ठिकाना मिल गया है, जहाँ पर मैं अपने सुख के बारे में आत्मशांति के बारे में कुछ भी सवाल जवाब करूँगा तो मुझे बिल्कुल सही मार्गदर्शन मिलेगा, मुझे अभी कहीं और जगह जाने की भटकने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा जब जीव को लगता है अंदर से
किसी के दबाव से नहीं, देखा देखी से नहीं, तब ऐसा जीव को लगता है तो उसको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अपने को समय बचाना है। सारा दिन टाइम नहीं मिलता है तो नींद कम कर दो, 2 घंटा। नींद बहुत आती हो तो उसका उपाय भी करना है। संजय की बात कर रहा हूं मैं अभी, तो क्या करना चाहिए? अगर समय निकाल लेना चाहिए पहले तो मैं संजू की बात करूं, तो संजू को दिन भर तो नौकरी करना है तो टाइम नहीं मिलता था उसको, तो उसको रात को ही टाइम मिल जाए। और मैं बोला नींद कम कर दो करके बोला था, बोला मेरी आदत है मैं नींद नहीं कम कर सकता, क्या करूं? तो मैं एक काम करो तुम 10 बजे होते हो तो सो जाना तुम, लेकिन ऐसा निश्चय करो कि रात को 1 बजे मेरी गाड़ी छूटने वाली है, प्लेन छूटने वाला है मेरा अमेरिका का, तो मुझे 1 बजे उठ जाना का है ऐसा भी करके। तो पहले थकान तो 3 घंटे में आराम मिल जाता है और 1 बजे उठना होता है, 1 बजे से वो ध्यान लगा रहा था रात को, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, कभी 4 घंटा। अवलोकन उसने ऐसा किया है, अवलोकन के समय की जब बात करूं तो ऐसा किया है उसने अवलोकन। फिर 2 दिन के बाद आके बोलता है कि भाई मेरे को नींद बहुत आती है, मतलब तो मैं बोला तुम पथारी में सोते होते नहीं करना, तुम खड़े होके करो रात को, तो रात को 1 बजे खड़ा हो जाता था पथारी के अंदर, और उसने ऐसा अवलोकन किया है। ये तो गए साल की बात कर रहा हूँ कि उसने कैसे काम किया है, किस ढंग से काम किया है। दिन भर नौकरी करो, थकान होती है, कुछ भी होता है, लेकिन जिसको करना है उसको तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो मेरे को ऐसा बोलता था कि मेरी बहन की शादी हो जाए ना, बाद में मैं आराम से करूँगा। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं बोला नहीं, तुझे तो अभी करना है, करना है तो, नहीं तो तुम आना नहीं सत्संग में, मेरे पास दोबारा कभी नहीं आना। करना है तो तुझे बहन की शादी होने से पहले ही तुझे काम खत्म करना है। इतना देर क्यों, इतना प्रमाद क्यों? तो उसने बात सुन ली मेरी, और उसने शादी को तो 2 महीना थे लेकिन उसने शुरू कर दिया होगा, तो शादी तक तो कितना डेवलपमेंट हो गया उसका। उसको तो एक एक उसके हाथ के लिखे हुए लेटर मेरे पास है, उस टाइम में कैसी उसकी हालत हुई थी, क्या हुआ था, कैसी कैसी उसकी वेदना हुई थी, ये सब मेरे पास तो है पूरा रिकॉर्ड, तारीख लिख के रखा है। कहने का मतलब कि जीव को अगर लगे कि यही सत्संग है, अंदर से आत्मा बोले अगर, तो उसको समय निकाल लेना पड़ेगा। समय बर्बाद करना 1 सेकंड भी नहीं चलता है। अगर हमारा रूटीन वर्क भी अगर कोई दूसरा संभाल लेता है तो उसके हाथ पैर पड़ के भी उस पर थोड़ी गलती होती है तो भी निभा लेने का कैसा भी करके, लेकिन हवाले कर देने का, अपना समय बचा लेने का। वो समय बचा तो क्या करना? शास्त्र पढ़ना, शास्त्र नहीं पढ़ना, गीत गाना भक्ति के, नहीं वो भी नहीं करना, कि दूसरे फादर में से चर्चा करना, तो नहीं वो भी नहीं करना। समय बचा के क्या करना है? समय बचा करके अपने दोस्तों को क्षण क्षण में, कार्य कार्य में, प्रसंग प्रसंग में कैसे देखना, बहुत बारीक से लगा करके देखना, जैसे सोई में धागा परोते हैं इस प्रकार, बहुत बारीक उपयोग लगाना है। और सिर्फ देखना है कि हटाना भी है? नहीं, सिर्फ देखना है, हटाना नहीं है, ये काम करना है। कब करना है? 1 घंटा करना, फिर बाद में सो जाना, ऐसा क्षण क्षण में करना है। देखने का कार्य क्षण क्षण में करना है। क्या देखना? भक्ति अच्छी हुई आज, आज परिणाम अच्छे रहे, आज क्रोध नहीं आया, आज गुरु की याद बहुत आई, आज जरा भी गुस्सा नहीं किया, वो गाली दिया तो भी मैं शांत रहा, ऐसा देखना। वो तो गुण को देखा ऐसा हो गया, गुण को नहीं देखना, किसको देखना है? देखना
गलती कहाँ की? अच्छा भले ही किया लेकिन गलती कहाँ की वो देखो, किधर गलती होगी मेरी, ये देखना है। क्षण क्षण में देखना है, कार्य कार्य में देखना है, प्रसंग प्रसंग में देखना है, बारीक उपयोग लगा लगा करके देखना है। ये समझ के देखना है कि मुझे नहीं दिखता है तो मेरे में कमी है, दोस्त तो जरूर है और है लेकिन मेरे में कमी है इसलिए मुझे दोस्त दिखाई देता नहीं। बहुत ही बड़ा देना, इतना काम करना है। और फिर देख करके क्या करना, उनको परीक्षण करना, इसको दोस्तों को परीक्षण माने क्या, इस प्रकार से क्षीण करना कि दोबारा आवे ही नहीं कभी भी। हम पछतावा करेंगे तो फिर दोबारा आ जाएगा गलती, पछतावा नहीं करना है। परीक्षण करने का तरीका क्या, देखो 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 देखो, देखते 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 अपने को असली कारण समझ में आ जाएगा कि बार बार गुस्सा आता क्यों है, असली कारण समझ में आएगा। देखते 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 पहले क्या बना था, बाद में क्या बना, फिर किस सेकंड में गुस्सा आया। गुस्सा आने के पहले कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ हमारी अपेक्षाएं होती है, कुछ हमारी इच्छाएं होती है। किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रसंग को हम चाहते हैं और गुस्सा आने से पहले ऐसा बनता है, लेकिन किसको मालूम पड़ता है, जो देखता है उसको मालूम पड़ता है कि गुस्सा तो 5:05 में आया लेकिन 5:00 क्या हुआ था, 5:01 पे क्या हुआ, 5:02 पे क्या हुआ, 5:03 में क्या हुआ, 5:04 में क्या हुआ, फिर बड़का हुआ 5:05 पे। पहले क्या बना था, कारण क्या बनाया था, देखते देखते असल कारण समझ में आता है। और समझ लेना है कि यहाँ किसके दोस्त देखने को कहा, सामने उसने गाली दी है ना, हम तो चुपचाप बैठे थे, सामने वाले ने गाली दी है ना, उसको नहीं देखना है, देखना किसको है। सामने वाले ने भले गाली दी, वो तो उसका दोस्त है, उसको दोस्त को देखने को तो गुरु कहते ही नहीं है, किसके दोस्त को देखना था। कि भले सामने वाले ने गाली दी लेकिन खुद ने क्या गलती की वो देखना है, खुद शांत रहा वो नहीं देखना है, गुरु को नहीं देखना है, खुद शांत रहा हो तो नहीं देखना है, सामने वाले ने गलती की है तो वो नहीं देखना है, सिर्फ अपनी गलती को देखना है कि उस वक्त उसने क्या किया था। क्या होता है कि सामने वाले के शब्द बराबर याद देते हैं लेकिन खुद ने कुछ कर दिया था ना, वो याद नहीं रहता है। तो सामने वाले ने पहले गलती की, बाद में अपने मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है क्या, लेकिन वो हम क्या बोले नहीं मालूम है, उसकी हजार बातें याद रहेगी, तुमने ऐसा बोला था, तुमने हमको ऐसी गाली दी थी, तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसे हाथ उठाया था सामने, क्योंकि सामने वाले को नजर, सामने वाला ही दिखेगा ना उसने क्या क्या किया था। लेकिन खुद ने बीच बीच में जवाब देते वक्त खुद ने क्या क्या तकलीफ की थी वो नहीं मालूम पड़ेगा उसको, क्योंकि एक अभिप्राय बना लिया कि हमने तो कोई गलती किया ही नहीं है। क्या अभिप्राय है, हम तो बिल्कुल शांत बैठे थे बिल्कुल, लेकिन जब सामने वाले ने गलती की थी तब उसने ही बीच बीच में जो कुछ भी किया था ना वो उसको याद नहीं है, भूल गया है उस बात को, और ये बहुत बड़ा खतरा है। ये सब गलती कैसे निकलेगी, अवलोकन से निकलेगी, किसका अवलोकन, अपने अपने दूसरे क्या नहीं, अपने गुणों का कि दोस्तों का अवलोकन करना है, बारीक उपयोग लगा करके। हाँ गुण तो अपने आप प्रकट होंगे, और गुण प्रकट होंगे तो भले ही होने दो ना, क्या तकलीफ है, गुण प्रकट होंगे तो किसको लाभ, स्वयं को, तो उसको क्या गिनती करना, गिनती तो उसकी करना है, पैसा कितना भी कमाओ क्या गिनती करना है, नुकसान कहाँ हो रहा है वो देखो, कहाँ फालतू खर्च कहाँ हो रहा है वो देखो, ताकि और कमाई हो। व्यापार में तो बराबर ऐसा ही करता है लेकिन यहाँ गड़बड़ करता है, यहाँ उल्टा करता है,
देखो आज मैंने अच्छी भक्ति की ना, आज मेरे परिणाम शांत रहे। भाई तुमको कितने बोला कि तुम ये बताओ, तुमको तो दोष बताने को बोले और तुमने ये सब क्यों बताया। गुण बताना वो दोष है एक प्रकार का। अगर जीव सदगुरु के पास जाकर के अपने गुण बताता है तो वो भी एक दोष है, गुण नहीं बताना है। सदगुरु को मालूम पड़े बिना रहता ही नहीं, परिणाम बताना कि मैं ऐसा 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 हुआ, इसमें भाव नहीं रहता है। गुण बताने का भाव नहीं रहता है, बात भाव की चलती है। ये तो हम मार्गदर्शन देने के भी हमको हमने ऐसा ऐसा किया और ऐसा ऐसा हमको हुआ, ऐसा ऐसा हमको इस प्रकार से लागणी आई, तो क्या होता है कि हमको अगर गलती होती है तो सामने वाला हमको सावधान कर देता है। मैंने आत्मज्ञान में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैंने आज तो ऐसा वाइट वाइट ऐसा कोई दिखा, क्या ध्यान कर रहे थे तो ऐसा दिखा, प्रकाश 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 एक सेकंड के लिए ऐसा हो गया। ऐसा बताने से क्या होता है, गुण नहीं बताया है। अगर गुण बताने का भाव है तो गलती है, लेकिन इसको समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या चीज है, क्या यही आत्मज्ञान है क्या, तो इसलिए बताता है वो मैंने ऐसा ऐसा ध्यान किया था, ऐसा ऐसा मुझे ऐसा ऐसा हुआ। तो गुरु क्या कहेंगे, अगर वो आत्मज्ञान होंगे तो खामोश बैठ जाएंगे, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, आत्मज्ञान में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप इसके ऊपर ध्यान मत दो, क्या कहेंगे। बस हमको तो इतना ही होना था कि कहीं हम गलती न कर पाए उससे बचावे कोई हमारा। अगर इस वक्त हम सही चले होंगे तो गुरु नहीं कहने वाले हैं कि तुम सही चलते हो, क्योंकि इसमें भी खतरा है। अगर हाँ बोल दिया तो ये तो ऐसा छाती फुला के चलने वाला है, इसलिए कभी कभी बताना मुश्किल हो जाता है कि क्या करें। जीव है ना, जीव सन किसी जीव का ऐसा होता है कि छुपाने की आदत नहीं होती है। सारे गांव में धंधेरा पिट जाता है, मैंने इतनी कमाई की, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, तो खतरा किसको है। अगर ऐसा मालूम करने जाओ तो क्या होगा, आजू बाजू वाले उसको बहुत कमाई होने वाली, थोड़ा अपन लोन ले लो ना, उसके बाद 10-20 हजार तो करोड़ रुपया कमाने वाला 10 हजार लेने से उसका क्या बिगड़ने वाला है। लेकिन उसको नहीं मालूम कि 10-10 वाले कितने लाइन लगा के बैठे हैं, क्योंकि सबको मालूम हो गया है। सबको अगर 10-10 देगा तो उसका तो साफ हो जाएगा मामला। कई लोग आ गए हैं तो संसार में तो जीव बहुत होशियार होता है, तो दिखावा नहीं करता, करोड़ कमाओ चाहे अमर कमाओ, धंधा कितना ही बड़े, लेकिन यहाँ थोड़ा भी अगर बोल दे उसमें भी गुरु बोल दे तो खलास। आओ देखे ना तो इतना फूल जाता है, इतना फूल जाता है, इतना खुशी खुशी खुशी, तो खुशी में ही मौत हो जाती है। क्या हुआ अगर इतना आनंद आता है तो क्या हुआ, तो तेरे पास था बोल के आया है, किसी का आशीर्वाद नहीं हुआ है। और कितना मिला अंदर में, तो दरिया है अंदर में आनंद का, तुमको थोड़ा मिला इसमें संतोष हो गया, क्या हुआ मिला तो क्या हुआ, थोड़े से ले लो ना पूरा, तो इसमें कोई अभिमान करने की जरूरत नहीं, राजी होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इतना बड़ा दरिया में से थोड़ा सा मिले तो क्या मतलब है, उसका पर क्या पेट भरने वाला है, आनंद का थोड़ा चलने वाला है। हाँ परमात्मा को मिलता है, इतना मिलता है क्या, जितना परमात्मा में भरा पड़ा है आनंद और उनको मिला है, उतना ही आनंद तेरे में भरा पड़ा है। लेकिन तुमको संतोष होगा तो तुमको ज्यादा काश मिलेगा, संतोष होगा तुम्हारा, इसलिए कभी कभी गुरु नहीं बोलते हैं। लेकिन परिणाम बताने से अगर कहीं गलती होगी तो जरूर बोलेंगे, नहीं ऐसा व्हाइट व्हाइट कुछ नहीं दिखता है, लाल लाल पीला कुछ नहीं दिखता है। अब अगर होता है तो भी आप ध्यान नहीं देना उसके ऊपर, तो कैसा आत्मज्ञान में होता नहीं अपने उपयोग ऐसा। इसका मतलब ये नहीं कि उसने गुण बताया है, ऐसा परिणाम हुआ ऐसा बता दिया, या क्या किया है कि टाइम बचा करके अपने दोस्तों को क्षण क्षण में कार्य कार्य में और प्रसंग प्रसंग में कितना उपयोग से देखना है, और देख करके क्या करना है, परीक्षण माने क्या कि दोबारा ऐसी गलती ना हो,
जीव अगर गलती को देखे और ऐसा मन में विचार करे कि ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे दोबारा नहीं करना है, इससे गलती मिटने वाली नहीं है, ख्याल रखना। क्यों? कि इसमें तो उसने मन का आधार लिया, मन ने बोला कि हम ऐसा गलती नहीं कर, आत्मा ने नहीं बोला है। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा किसने कहा? विचार ने, मन ने, आत्मा ने नहीं कहा है, तो फिर दोबारा गलती होने वाली है। इसको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने मना किया था कि मैं नहीं करूंगा, फिर दोबारा कैसे हो गया? लेकिन आत्मा ने मना नहीं किया था। किसने मना किया था? मन ने मना किया था, सोच के नक्की किया था गलत हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना, तो इस प्रकार से नहीं करना है। देख करके उनको परीक्षण करना है, विचार करके उनको परीक्षण करना, ऐसा नहीं लिखा है। देखो इसमें भी कदम है, दोस्तों को देखना, परीक्षण करना। कैसे परीक्षण करना? देख करके उनको परीक्षण करना, क्या कर करके या पछतावा कर करके या निर्णय कर करके कि दोबारा ऐसा नहीं करो, करके परीक्षण नहीं करना है। परीक्षण करने का तरीका क्या? देख करके हुआ, ऐसा करते करते हुई तो भड़का हुआ अंदर में गुस्से का, ये तो पता कैसे चला? देखने से पता चला। तो असल गलती तो पहले हो गई, तब 5:01 से शुरू हो गई, एकदम भड़का नहीं हुआ है। तो अभी हमको क्रोध को दबाना कि 5:01 पे जो हुआ उसको खत्म करना है, क्या करना है? हम लोग क्या करते हैं, जब वो बाहर दिखता है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसा तो होने वाला नहीं। आग लगने के बाद कितना भी दबाव क्या होता है? आग क्यों लगी? पहले उसको खत्म करो ना, उसको ऐसे हर कसाई तो क्रोध की बात है, हर कसाई में ऐसा होता है। कोई मान नहीं देता है तो रोज बुलाता है, आज नहीं बुलाए हो गई तकलीफ बंदा में। लेकिन ये तकलीफ हुई इसके पहले कुछ घटनाएं घटी थी, हमने कुछ अपेक्षा रखी थी सामने वाले से, तो रोज बुलाता ऐसा हमको बुलाना मान, ऐसा हमने पहले, तो ये जो गड़बड़ हमने जो की उसको पहले खत्म करना है, मान को खत्म नहीं करना है। तो जो तकलीफ होती है उसके पहले से ही कुछ गड़बड़ हो जाती है शुरू, हम पहले वाली गड़बड़ को ठीक करें नहीं और बाद में जो हुआ उसको दबाने जाओ कि मुझे मान नहीं करना है ना, मुझे ऐसा नहीं करना, लोभ नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है। उसके मूल जड़ को खत्म करना पड़ता है, और जड़ को कौन देख पाता है? कैसे देखे बिना कैसे खत्म करे? तो अवलोकन करेगा तो मालूम पड़ेगा कि कहाँ गलती हो गई, देख करके उनको परीक्षण करना है। और आप बहुत बड़ी बात करते हैं, इतनी बड़ी बात करते हैं, कभी कभी किसी को मुश्किल लगता है ये बात। कहते हैं कि ऐसा सत्संग मिलता हो, सही सत्संग, जिसके लिए हमारी आत्मा में से आवाज आई है कि यही सही सत्संग है और एकमात्र मेरे कल्याण का कारण है। तो ऐसे सत्संग में, सत्संग की प्राप्ति के लिए, ऐसे सत्संग के लिए देह त्याग करने का योग होता हो तो उसे भी स्वीकार करना। क्या कहा है कि अगर ऐसे सत्संग में जाने के लिए अगर हमको ऐसा मुसीबत का सामना करना पड़े जिससे हमारा मौत भी आ जाएगी, हमारे प्राण छूट जाएंगे, तो उसको भी स्वीकार कर लेंगे। प्राण गए तो बोलेंगे सत्संग के लिए जाते हैं, जाना दे, लेकिन समझौता नहीं करना, सत्संग के लिए समझौता नहीं करना। लेकिन कब? पहले सब पूरा देख लेना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। आत्म भावना जगी नहीं है, अंदर में इतना गुरु में विश्वास आया नहीं है, और हाथ बना हाथ पकड़ के रखे हैं सत्संग मत जाना ही, नहीं जाना दोगे तो मैं जहर खा लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, घर में धमाल झगड़ा कर लेंगे, तो गड़बड़।
नहीं ऐसा वो तो देगा, वो नेचुरल है वो तो देगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है अपने पास तो केस बन गया ना ऐसा, अपने पास तो केस बन गया ऐसा, आपको नहीं मालूम है झगड़ा बनता हुआ, आपको दो बजे भी यहाँ आए झगड़ा करने के लिए, क्योंकि जैसा हमने फोन पे कहा था वैसा नहीं किया उसने सामने वाले ने, अपनी बुद्धि को लगाया साथ में, दो बजे झगड़ा करने को आए, बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ, क्या हुआ नुकसान किसको हुआ, तो थोड़ा बहुत सत्संग मिलता था वो भी खत्म हो गया कि नहीं हो गया, वो तो अलग ही मिलेगा, जो मिलेगा वो तो बेचारे भोगना पड़ेगा उनको, आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा, और इनके साथ एक को नहीं जो जो ने उनको साथ दिया है सबको भोगना पड़ेगा, अनुमोदना जिसने जिसने किया है, इनका भी छूट गया कि नहीं, किसान जी का भी छूटा कि नहीं छूटा साथ दिया तो, क्या करते क्योंकि गड़बड़ होती है ऐसी, ये जो देह त्याग करने वाली बात है बहुत संभाल करके करना है, सत्संग के लिए पावर अंदर का रहे तो, आप में अगर इतना ताकत नहीं है एक पांव उधर है एक पांव इधर है तो नहीं, तो फिर वहां का पूरा मोह खत्म करके बाद में आना, उधर का साथ भी नहीं छोड़ना है और सदगुरु का साथ भी नहीं छोड़ना है तो फिर नहीं, तो नहीं पूरा अंदर की तैयारी हो गई कि मेरे को तो सत्संग को प्रमुखता देना है, नहीं आता यही बात कहते हैं, नहीं तो क्या होता है किक मारो तो किक लग जाती है अपने भाई, मार रहे हो उसको क्या मारोगे, ये पूरा दो हो गया शांति से हो गया, तो किक किक मारो किक मारो, किसी को नहीं देखो सामने ऐसा मत करो, नहीं चलता है किक नहीं मारना है, या आत्म भावना है कि नहीं हमारी हैसियत है कि नहीं, इसमें ऐसा कहीं तो नहीं है कि हमारा ही मुंह पड़ा है और हम किक मारने जाते हैं, अगर हमारा मुंह होता है और हम किक मारते हैं तो क्या होगा, किसको तकलीफ होगी, खुद को ही होगी, क्योंकि अभी अपना मन तो गया नहीं है वहां से, बीच में लटक जाते वहां मुंह पड़ा है और हम लात मार रहे हैं उनको, जैसा ऐसा बोल देते हैं गुरु के लिए, और मुंह तो पड़ा है तो ऐसा करने से क्या होता है कि वो नाराज होता है कुछ भी होता है, तो बाद में तकलीफ किसको होती है, तकलीफ इसलिए होती है कि उसमें मुंह पड़ा है, अभी क्या वो एकदम जोश में आ जाते हैं, आप सत्संग में रोकते हो हमारे को तो हम भी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, हाँ बांध नहीं होता है, सत्संग के प्रति भक्ति नहीं होती है, सत्संग के प्रति राग होता है, क्या होता है सत्संग के प्रति भक्ति नहीं है, भक्ति किसको होती है, निर्मोही को होती है, रागी को भक्ति नहीं होती है, एक तो एक जोर चढ़ गया सत्संग का भूत, जैसा प्रेम होता है ना किसी से तो क्या होता है, समझो लड़के को जवान लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो गया मान लीजिए, तो माँ बाप को नहीं देखता है वो, कितना भी बोले तो भी वो गालियां देता है राम, वैसा ही सत्संग में कुछ बातें अच्छी अच्छी लगती है जीव को, लेकिन संसार का मोह नहीं छूटा है, और अच्छी यहाँ अच्छी लगती है बात तो इसके जोश में आकर के सामने वाले को जैसा है ऐसा बोल देता है, तो क्या होता है ऐसा द्वेष करने से क्या होता है, बहुत बड़ा बुरा हाल हो जाता है, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ये तो बहुत संभाल करके काम करना है, ये जो देह त्याग करने की बात आई इसके पहले बहुत सी बातें आई, क्या बातें आई कि हमको पूरी आत्म भावना जगनी चाहिए, और सदगुरु है ये सत्संग है ऐसा अंदर से विश्वास आना चाहिए, किसी ने कहा और हमने ज्ञानी माना ऐसा नहीं चलता है, खुद को विश्वास, सदगुरु को तो गाली निकालनी नहीं चाहिए, देखो सदगुरु की पहचान हो गई, अब एक सेकंड पहले कहते हो कि सदगुरु है, दूसरे सेकंड बोले गाली दिया तो बोलते हैं क्या सदगुरु, पहचान किसको बोलते हैं, पहचान किसको बोलते हैं, कि सोना पड़ा है तो सोना अंगूठी में पड़ा है तो भी सोना है, और वही सोना कीचड़ में है
और वहां से निकाला तो भी सोना आया, ऐसा आप कहते हो तो सही बात है। क्या शांत बैठे हैं तो सदगुरु, और गाली दिया तो सदगुरु नहीं। अच्छा ये पहचान कहाँ से हुई चीजें, पहचान नहीं होती है। सदगुरु ने गाली दी लेकिन आपने क्या किया था, असल में तो गाली दिया ही नहीं है, वो तो सदगुरु के आजू बाजू वाले ने समझो किसी को गुस्सा आता है, जैसे मेरे को कोई मारता है तो घर में तो गुस्सा आता ही है ना, फिर तो नेचुरल परिणाम है। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा तो उन्होंने, लेकिन उन्होंने बात पलटा करके कैसा लिया, सदगुरु ने गालियां दी। अच्छा भाई तुमसे कौन लड़े, लड़ने को आ गए। कहने का मतलब क्या है कि एक सेकंड पहले सदगुरु मानते हो, दूसरे सेकंड पहले आप ही बुलेट कर रहे हो, किसके मुंह में आकर के, अपने कुटुंबी सज्जन को मुंह में आकर। तो मुंह छोड़ा छुटा नहीं है तो भी ये क्या करने की कोई जरूरत नहीं, पहले मुंह को छोड़ो बाद में देखेंगे, ऐसा ऐसा तलवार लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तलवार पकड़ना तो सीखो, पहले कैसे पकड़ी जाती है तलवार, बाद में वार करो। हाँ उल्टी उल्टी पकड़ोगे तो क्या होगा, अपना ही गला काटेगा। बहुत संभालना पड़ता है इसके अंदर, बहुत संभालना पड़ता है, क्योंकि इसके पहले बहुत सी बातें आई कि सतपुरुष है ऐसा अंदर से विश्वास अपनी आत्मा को आया है, और हमने अपने दोस्तों को सेकंड सेकंड में देखा है, क्षण क्षण में देखा है, और देख करके उस दोस्तों को निर्मूल किया है। इतनी बात आ गई है, इसके बाद की बात कहते हैं। ऐसा वर्तन खुद का रहता है पहले, इतना उतना तैयारी खुद की हो जाए बात की बात है। बाद में अगर कोई रोकता है सत्संग के लिए तो बोलेगा कि मेरा प्राण ले लो, मैं सत्संग में तो जाऊंगी जाऊंगी और जाऊंगी, क्योंकि मेरे को इतना लाभ होता है। आपके दो रोटी के लिए मुझे नहीं कर, नहीं चाहिए दो रोटी, भूखे मर जाएंगे, नहीं चाहिए इज्जत आबरू हमारे, आप तो एक भाव के साथ ही हो, ये तो हमारे को जो वहां से मिलता है वो तो हमारा अनंत जन्म मरण सुधर जाएंगे। ऐसा अगर खुद को लाभ हुआ है उसमें इतना दौर आता है, वो लड़ाई कर सकता है कि अभी आओ कौन आता है मेरे सामने, कौन रोकता है बताइए, मुझे सत्संग में जाने से किसकी मजा लें, बाकी आती ही है ना। और तो भक्ति आया बिना नहीं, कितना ही बोलो पैर मत पड़ो लेकिन वो तो छोड़ते नहीं है, पैर पड़े बिना नहीं रहते, कितना ही मना करो तो वो तो करते ही है, क्या करें। ऐसा है कि उस सत्संग के लिए अगर फिर तो किसी की मजाल ही नहीं होती है, कौन रोके, किसकी ताकत किसकी है भी रोकने, क्योंकि रोका तो खाना पीना छोड़ देगा घर में, तो जिन्हें लाश को रखना है तो रखो घर में, उपास कर ले, मैंने मौत जाएगी ना खाने, तो मेरी आत्मा के नहीं पड़ी तो मुझे ही मेरे शरीर के नहीं पड़ी, आपको मेरी नहीं पड़ी, रख लो मेरे मुर्दे लाश को रखना, मेरे संभाल करके फिर मेरी आत्मा तो चले जाएगी, आप रहेगी नहीं, आपके साथ रहने को तैयार नहीं है आप, मेरी आत्मा तैयार नहीं है, बहुत बहुत तो मेरे शरीर को रख लो आप, हाथ से खाना पीना बंद, एक भी गाली गुरु को दिया है तो खाना पीना बंद, आपको आपके साथ रहना ही नहीं है ऐसे लोगों के साथ, ऐसा देह त्याग करने का भी पसंद करता है जी, क्योंकि इतना लाभ होता है। परंतु कहते हैं सत्संग से ज्यादा किसी भी पदार्थ में भक्ति स्नेह प्रेम होने देना नहीं, योग्य नहीं है वो, चाहे कुछ भी हो कैसे भी हो, सत्संग हमारा सबसे सर्वोपरि है, न पति ज्यादा है न पत्नी ज्यादा है, सत्संग सबसे ज्यादा है, इससे ज्यादा प्रेम किसी से होना नहीं, शरीर से भी नहीं, तो पति तो अभी शरीर अलग है उसका, पत्नी का तो शरीर ही अलग है, तो उसकी तो बात ही क्या है, जब अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करना है, सदगुरु से ज्यादा प्रेम नहीं करना है किधर भी। तथा प्रमादवश रस गौरव आदि दोषों से उस सत्संग के प्राप्त होने पर पुरुषार्थ धर्म मंद रहता है, सत्संग भी रखे और हम उधर उधर माथा भी डाले, अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करें, तो हमारा जो ताकत है जो अवलोकन की वो ताकत कमजोर होती है, जितना जल्दी से पुरुषार्थ करना चाहिए उतना कर नहीं पाते हैं, मंद मंद चलता है, कभी अवलोकन हुआ कभी नहीं हुआ, फिर भूल गए, अरे कांच खो गए थे,
वापिस शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा इंद्रियों का प्रेम है। खाए बिना नहीं चले, टेस्ट लिए बिना नहीं चले, देखे बिना नहीं चले, सुने बिना नहीं चले। अच्छे अच्छे गीत सुनना है, अच्छी अच्छी टीवी में प्रोग्राम आते हैं वो देखना है, बच्चों को भी संभालना है, बच्चे भी फर्स्ट नंबर पास होना, सेकंड रैंक आया नहीं चलता, उसके पीछे ही मथा पूरी करना है, बच्चे लड़ते झगड़ते हैं तो उनको भी शांत करना है। कितना अपेक्षाएं लेकर के बैठा है ये जीव, और फिर आत्मज्ञान भी करना है। ऐसा करने से, इंद्रियों की अपेक्षा रखने से, अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रखने से अपनी ताकत कम होती है, अवलोकन की, अपना पुरुषार्थ धर्म मंद होता है और सत्संग फलवान नहीं होता है। भाव में ऐसा है कि हमको क्या, तो फिर वो बाद में कोशिश भी नहीं करता है, भाव में पहले आता है, बाद में होता है। असल में होता क्या है कि भाव में होता है ज्यादा, तभी तो निकलता है गड़बड़, तो गड़बड़ नहीं करना, ऐसा नहीं करना, होता ही नहीं, क्रिया नहीं होती है, बिना भाव के क्रिया नहीं होती है, भाव होता है तो क्रिया होती है। तो ऐसा करने से सत्संग फलवान नहीं होता है, ऐसा जान करके अपनी ताकत को कमजोर करना योग्य नहीं है, छुपाना योग्य नहीं है, अपनी ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए क्या करना है कि किधर भी हमारा उपयोग फंसना नहीं चाहिए, किसी भी पदार्थ में नहीं फंसना चाहिए, किधर भी हमको थोड़ा भी मोह रहेगा तो फंस जाएगा, रुचि रहेगी तो फंस जाएगा, तो हमारी ताकत कमजोर होती है, तो इस प्रकार से ताकत कमजोर करना नहीं। ये 11 नंबर का पॉइंट जो है अवलोकन वाला, यहाँ समाप्त होता है, क्योंकि 12 नंबर 13 नंबर आगे फिर जब अवसर आएगा तब लेंगे, दो पॉइंट रह जाएंगे।